अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड, मैंने दराज से अपने बर्ड रूम के लिए एक सिक्योरिटी कैमरा मंगाया था। तो बलेट की शेप का ये कैमरा है जो कि होल्डर में लगता है। तो वो मैं इसकी ओपनिंग करने से पहले मैंने सोचा आपसे भी शेयर कर दूँ कि बहुत मेरे हिसाब से तो अच्छी चीज़ है, तो आप लगा सकते हैं इसको, चाहे आप घर में लगाएँ या बर्ड रूम में लगाएँ जहाँ पर। तो ये फ्रेंड मुझे 2940 रुपये का जो है घर में गेट के पास डिलीवर हो गया है। तो डिलीवरी चार्जेस भी बीच में ही है। तो इसको खोल के देखते हैं कि इसमें क्या कुछ हिसाब है और क्या आया है। तो इसको मैं यहाँ से इसको काट लेता हूँ, तो फिर आगे देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ आई और ये कौन सी शेप कौन सी है, किस हिसाब से आपको भी पता चल जाएगा। तो ये फ्रेंड इसमें एक चिट सी आई है, इस पर व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है। अगर नहीं आपसे ये इस्तेमाल नहीं करना जानते हैं, कोई मुश्किल पेश आ रही हो, तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो ये इसके साथ निकली है। तो बाकी फ्रेंड्स, मैंने तो ये देखभाल के ही ऑर्डर किया था इस सेलर से, तो उम्मीद तो ये अच्छा ही निकलेगा। ये इसका बॉक्स है फ्रेंड, तो इस पर ये सारा कुछ लिखा हुआ है। ये कौन सा कैमरा है? वाई फाई कैमरा है फ्रेंड्स। तो 4K भी इस पर लिखा हुआ है। HD क्वालिटी की ये जो है मॉनिटरिंग करता है, तो मेरे हिसाब से तो बेस्ट है। बाकी से इसका पैकिंग वगैरह भी ठीक ही हुई है, फुल पैक है, खुला हुआ नहीं है। तो यहाँ पे इसका मेमोरी कार्ड और वाईफाई वगैरह जो भी इसके फीचर हैं वो इस पर लिखे हुए हैं कि क्या क्या ये करता है और क्या हिसाब है इसमें सारा। तो वाईफाई से ही फ्रेंड्स कनेक्टेड हो जाता है, जहाँ भी आप बैठे हुए हैं या आपके अगर घर में लगा हुआ है, तो आप अगर ऑफिस वगैरह में हैं, बेशक सिटी में या आउट ऑफ सिटी भी हैं, तो तब भी ये जो है काम कर करेगा। आप वहाँ से बैठ के तो देख सकते हैं कि क्या कुछ चल रहा है और क्या निज़ाम है इसका। बाकी ये फ्रेंड ये इसको अभी खोल के देखते हैं। पैकिंग वगैरह तो आपने देख लिया, माशाल्लाह ठीक ठाक पैक हुआ हुआ था। पीछे से कंपनी में से जैसे आता है, तो ये कैमरे हैं। तो ऊपर इसकी ये इसके ऊपर भी देखें कवर हुआ हुआ है, तो डैमेज वगैरह भी नहीं है, ठीक है, हालत में है। फ्रेंड इसके फंक्शन तो बेशुमार हैं। ये साथ में होल्डर भी इसका दिया हुआ है, चूड़ी वाला होल्डर है, क्योंकि वैसे तो पेन वाले नॉर्मल पाकिस्तान में चल रहे हैं। साथ में जो रावल प्लग हैं दो पेच भी दिए हैं। अगर आपने अगर नई सेटिंग करनी है, कहीं पर नई जगह पर आपने इसको लगाना है, तो उसके बाद ये नोटबुक भी है जिस पर इसकी हिदायतें वगैरह लिखी हैं, और बार कोड वगैरह भी है जो कि आप स्कैन करेंगे तो यह आपकी ऐप के साथ कनेक्ट होगा। वो ऐप जो है आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है। तो ये है कि फ्रेंड्स, अभी तो इसका इस्तेमाल करने से इसका सही कन्फर्म पता चलेगा। बार कोड इसका जो है इसके ऊपर भी है। बाकी इसमें मेमोरी कार्ड डलता है, वो 128 GB तक ये सपोर्ट करता है। ये ऊपर वाली जगह पर यहाँ पर डलता है मेमोरी कार्ड। आप इसकी रिकॉर्डिंग भी ये ऑटो में चलती रहती है साथ, और चाहें तो जहाँ पे आप बैठे हैं दूर से, तो वो भी फंक्शन इसके बेशुमार हैं फ्रेंड्स। इंशाल्लाह मैं इसकी डिटेल वीडियो भी अगर ठीक निकल आया ये यूज़ करने के हिसाब से चला, तो फिर मैं इंशाल्लाह डिटेल वीडियो भी इसकी बना के तो अपलोड करूँगा। फ़िलहाल तो ये मैंने मंगाया, तो मैंने कहा आपसे शेयर कर दूँ। तो मिलते हैं फिर किसी न्यू नेक्स्ट वीडियो में। दो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।